तो आ चुका हूँ मैं एक और वीडियो के साथ वापस। तो देखो ये वाली वीडियो कोई गेम प्ले वेमप्ले वीडियो नहीं है, तो ये वाली वीडियो में आपको सच्चाई बताने वाला हूँ क्राफ्टन लोगों के बारे में, जो क्राफ्टन कंपनी है उसके बारे में। तो सबसे पहले आप ये वाली इमेज देखो, इस इमेज के ऊपर मैं थोड़ी टाइम बाद में इसके ऊपर बताऊँगा कि क्या है। सबसे पहले तो आप ये देख लो, इसमें लिखा है पबजी मोबाइल इंडिया बैन, पबजी मोबाइल इंडिया बैन हुई है। अब अपडेट्स में लिखा है पॉपुलर बैटल रॉयल गेम कुड बी रिलॉन्च्ड एज बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। तो देखो इसमें लिखा था रिलॉन्च्ड एज बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। तो देखो पहले जो पबजी में जो पबजी मोबाइल आने वाली थी इंडिया में, और अब जो पबजी इंडिया में लॉन्च होने वाली है उसका नाम होने वाला है बैटल ग्राउंड रॉयल इंडिया, उसका नाम होने वाला है बैटल ग्राउंड रॉयल इंडिया। तो पता नहीं पबजी वालों ने ये बैटल ग्राउंड रॉयल नाम चेंज कर दिया है, मतलब कि पबजी मोबाइल इंडिया से उन्होंने नेम चेंज किया है बैटल ग्राउंड रॉयल इंडिया। तो भाई ये नाम से पबजी आने वाली है, सिर्फ पबजी वालों ने ऊपर हेडलाइन मतलब कि हेडलाइन के तरीके से लिखा था कि पबजी मोबाइल इंडिया बैन, मतलब कि उसका सिर्फ नाम बैन होने वाला है, पबजी मोबाइल इंडिया गेम इंडिया में आने से बैन नहीं होने वाली है। तो कुछ लोगों ने ये गलत अफवाह फैलाई थी कि पबजी मोबाइल इंडिया आने नहीं वाली है, तो सिर्फ उसका नाम बैन हुआ है, वो सिर्फ उनका नाम चेंज कर रहे थे पबजी वाले, उसका नाम रख दिया है बैटल ग्राउंड रॉयल्स इंडिया। ठीक है, तो बात करता हूँ मैं क्राफ्टन के बारे में। तो देखो अब तो बताइए कि जो क्राफ्टन है वो कितनी बड़ी कंपनी है, और वो मतलब कि वो कंपनी जो है वो बिलियंस में कमाती है, मतलब कि बिलियंस में कमाती है वो क्राफ्टन कंपनी। तो क्या हुआ था कि थोड़े दिन पहले ही क्राफ्टन ने इंडिया वाले को 1.5 करोड़ रुपीस डोनेट किए थे, क्योंकि ये जो आप पता है ये कोरोना का COVID-19 मतलब कि सारी पेंडेमिक चल रही है इस वजह से। तो ये जो क्राफ्टन कंपनी ने इंडिया को 1.5 करोड़ मतलब कि आप अमाउंट देख रहे हो 1.5 करोड़, उससे क्या होगा इंडिया का मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। मतलब कि यार आप देख रहे हो, मतलब कि आप सिर्फ अमाउंट देखो, अमाउंट है सिर्फ 1.5 करोड़। अब क्राफ्टन की इनकम तो भाई 1.5 करोड़ जितनी तो है नहीं, उसकी इनकम तो 1.5 करोड़ से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उस मैच में मेरा मतलब कि मेरा प्रोस्पेक्टिव व्यू से आप देखो तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो क्राफ्टन वाले हैं उन्होंने 1.5 करोड़ से डोनेट किए कि इंडिया में गेम लॉन्च होते हैं। देखो इंडियन गवर्नमेंट पहले कह रही थी कि इंडिया में पबजी आना नहीं चाहिए, तो सब तो इसी मैच ख्याल से इसीलिए क्राफ्टन वालों ने इंडिया को 1.5 करोड़ रुपीस दो डोनेट किए हैं। तो देखो क्राफ्टन वालों ने इसलिए डोनेट किए हैं कि इंडिया में पबजी आ जाए, तो यार ये तो ठीक है गलत है, क्योंकि यार ये चीज़ से तो भाई कोई भी सहमत नहीं होगा कि सिर्फ गेम के लिए वो सिर्फ 1.5 करोड़ रुपीस इंडियन वाले को डोनेट कर रहे हैं। दोस्तों अगर क्राफ्टन वाले को रियली में इंडिया की हेल्प करनी थी और उन लोगों को रियली में पबजी को मतलब कि इंडिया को रुपीस डोनेट करने थे तो यार ठीक है, एकदम ठीक है, 100% ठीक बात है कि ये क्राफ्टन वालों ने इंडिया को 1.5 करोड़ रुपीस डोनेट किए हैं। पर लेकिन क्राफ्टन वालों ने डोनेशन इसलिए किया है ताकि इंडिया में गेम आ पाए, तो ये चीज़ एकदम गलत है। तो ये चीज़ भाई इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल भी ठुकरा देगी उन लोगों का ये जो 1.5 करोड़ रुपीस है। तो देखो अब ये आप जो इमेज देख पा रहे हो तो इसमें लिखा है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। तो देखो ये वाली जो इमेज है वो पबजी वाले ऑफिशियल तरीके से इस पर काम वगैरह चालू था इनका, लेकिन किसी हैकर ने मतलब कि कोई हैकर था जिसने कोड मतलब किसी कोड नाम की जाती है, आप लोगों को पता ही होगा कि ये कोडिंग कहाँ यूज़ होती है, तो कोड वगैरह लगा के उसने वो फ़ोटो बाहर रिलीज कर दी। तो देखो इस फोटो का मेन मोटिव ये था कि वो पबजी वाले मतलब कि इस महीने के एंड में ये फ़ोटो रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन ये फ़ोटो हमको पहले ही पता चल गई थी। मतलब कि देखो ये फ़ोटो कहाँ से आई उसके पास मैं ये बताता हूँ। देखो जैसे कि पबजी ऑफिशियल है, ठीक है, तो उन लोगों की पूरी जो फोटो पिक्चर्स बनाते हैं ना, तो उन लोगों की एक लिंक होती है वो शेयर आसपास के लोगों के साथ होती रहती है, मतलब कि उन लोगों का एक ग्रुप होता है क्राफ्टन का, उनमें शेयर मतलब कि ये फ़ोटो की जो लिंक होती है वो उसे होती रहती है। तो वहीं से कहीं से इसके पास से वो कोई लिंक चली गई थी, तो वहाँ से उसने ये फ़ोटो हमारे पास रिलीज़ कर दी। तो देखो अब जल्दी से जल्दी पबजी मोबाइल इंडिया आने वाला है। देखो वापस से मैं बोल दिया पबजी मोबाइल इंडिया नहीं, या पबजी मोबाइल आने वाला है, मतलब कि नाम क्या था, हाँ बैटल रॉयल इंडिया आने वाला है बहुत जल्दी। तो चलो मैं मिलता हूँ वैसे एक न्यू वीडियो में। अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ वैसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।